चौथा जो यूज है हमारा, एक या कोई एक, ठीक है, मीन्स ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है किसी के बारे में। जैसे सेंटेंस है आई रीड अ बुक, कोई एक बुक, कुछ तो पता है नहीं कौन सा बुक। हैव यू ए कार, क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी है, किस गाड़ी है, कौन सा गाड़ी है, किस कलर का है, क्या है, बड़ा है, छोटा है, कुछ नहीं, बस कार होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में जहां सिर्फ एक या कोई एक जनरल ऐसे ही बस यूज के लिए, जिससे किसी से बात करते हैं, आई हैव अ पेन, आई हैव अ शर्ट, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमेशा अ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक या कोई एक के लिए एम का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वॉवेल साउंड हुआ तो एम का इस्तेमाल करें। बस ये हमेशा याद रखिएगा, एक या कोई एक, बस एज अ जनरल, ठीक है। बस डे टू डे लाइफ में जब भी हम किसी से बात करते हैं छोटा मोटा, तो कभी किसी को डिस्क्राइब नहीं करते, आई हैव अ पेन ऑफ दिस कलर दैट दिस दिस दिस, लेकिन बस बोल देते हैं आई हैव अ पेन, तो पेन है, मतलब कोई एक पेन है, इसीलिए हम लोग अ का इस्तेमाल करते हैं या एम का इस्तेमाल करते हैं। वॉवेल साउंड हुआ तो एम का, कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो ए का, ओके। पांचवा जो हम लोग का यूज है वो है रेंज मेजरमेंट स्पीड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आप लोग हमेशा सेंटेंस में इस्तेमाल करते होंगे पोटैटो सेल्स 2 रुपीज पर किलो, ठीक है। तो हम लोग पर किलो का इस्तेमाल ना करके किलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एन होगा आवर, आवर का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से शुरू होता है इसलिए एन, किलो का प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है कंसोनेंट से इसलिए होगा, ठीक है। यानी पोटैटो सेल्स 2 रुपीज अ किलो, हम लोग जहां भी पर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, के हिसाब से, के गति से, के दर से, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए प्रति किलो, पसेरी, मतलब इस तरह से अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि वो सिंगल यूनिट आना चाहिए, किलो, किलो मीन्स वन, एक पर किलो मीन्स क्या होता है वन, पर आवर मीन्स वन, ठीक है। तो पर के जगह हम लोग एम का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। रेट मेजरमेंट स्पीड इस तरह से कुछ भी अगर आपके पास होगा ऐसा एग्जांपल, इसका ऐसा सेंटेंस, तो हम लोग जहां एक लेकिन होना चाहिए, ठीक है, अगर ये होता पोटैटो सेल्स 2 रुपीज पर 2 किलो हो जाता तो फिर हम लोग ए का इस्तेमाल एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे द कार रन 60 किलोमीटर पर 2 आवर, ठीक है, तो फिर पर के जगह ए और एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनरली पर के बाद जो होता है वो हमेशा सिंगल यूनिट ही रहता है वन, इसलिए हम लोग ए और एम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारा जो छठा यूज है वो है काउंटिंग वर्ड के रूप, ठीक है। काउंटिंग वर्ड कहने का क्या मतलब, जैसे अ कपल, कपल एक काउंटिंग वर्ड है, बट कपल का मतलब दो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कपल का इस्तेमाल करेंगे कपल जैसे वर्ड का, तो अ लग सकता है, ठीक है। एक कपल यानी दो होगा, 2 कपल्स 4 हो जाएगा, 3 कपल्स 6 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कपल होगा अ कपल, ठीक है। Dozen means, dozen means होता है 12, but a dozen, एक dozen, कितना? 1 dozen, तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग a dozen का। Million, million बहुत बड़ा आता है, पता है आपको, 1 million equals 10 lakh, but हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, आई हैव अ 1000 रुपीज, आई हैव अ 1000 रुपीज, यानी कि मेरे पास 1000 रुपया है,
1000 ना बोल करके हम लोग क्या बोले पर थाउजेंड, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग कह रहे हैं वो है ही हैज अ कपल आवर्स टू विन द मैच, ठीक है। यहाँ भी उसके पास कितना है, 2 घंटा है, लेकिन उस 2 को हम लोग एक सिंगल यूनिट में इस्तेमाल करते हैं कपल वर्ड में। कपल इस टाइप ऑफ काउंटिंग वर्ड, क्योंकि 2 के बदले में एक का इस्तेमाल करना हो तो क्या लगा देता है कपल। तो ऐसे वर्ड के पीछे हम लोग पहले ए या एन लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं, ओके। 1 and half, 1 and a half, half, half के पहले ए लगाते हैं। इस तरह से अगर होगा क्वार्टर, अ क्वार्टर, ठीक है। उसी तरह होगा 1 and half हो गया, और 3 quarter हो गया, 1 and a quarter, ओके। इस तरह से जब भी काउंटिंग वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हाफ, कपल, डजन, मिलियन, थाउजेंड और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है, जो आप लोग पढ़िएगा तो समझ जाइएगा। ऐसे वर्ड के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। और ए या एन किस पर डिपेंड करता है, हमारा वोवेल या कॉन्सोनेंट साउंड के पर, ठीक है, ओके। सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल लर्निंग हॉल को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं।